sing a song. As the man of Bali, talk a song. Yeah, hear this, us song. हाँ जी, तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, आदाब, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे ब्लॉग में। तो चलिए, रेडी हो गए, भगवान जी को प्रणाम कर लिया है, खाना पीना खा लिया, और चलिए चलते हैं बाहर। और ये देखिए, पापा जी का पानी चल रहा है और मम्मी जी बैठी, मम्मी मोबाइल चला रही हैं, पापा जी देख रहे हैं न्यूज। चलिए, तो चलिए इसी तरह बने रहिए और चलते बाहर। छठ पूजा है और आज हम विश्वकर्मा मंदिर पे खड़े हुए हैं, छठ पूजा का महोत्सव मनाया जा रहा है। चलिए लेके चलते हैं, दिखाते हैं छठ पूजा कैसे मनाते हैं आपको। चलिए बने रहिए वीडियो में और दिखाते हैं छठ पूजा कैसे मन रही है आपको। आज है कि छठ पूजा और कुछ ऐसा व्यू है हमारे, ये देखें, यहाँ पे छठ पूजा मनाई जा रही है। जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती, पिता महादेवा, बापा पिता महादेवा, सिंह सौ अतान भवाली, भक्ति सौ जय हर देश उत्सव 2022 जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती, पिता महादेवा, बापा पिता महादेवा। छठ पूजा मनाई जा रही है और ये बाग कुबनिया का विश्वकर्मा मंदिर है और यहाँ पे बड़ी पारंपरिक रूप से छठ पूजा मनाई जाती है। देख सकते हैं यहाँ पे छठ घाट पे माता जी का ये कुंड बनाया गया है जिसमें सभी मातृ शक्तियों द्वारा छठ पूजा मनाई जाती है और बड़े ही पावन व्रत माना जाता है। और आज छठ पूजा है, ये हमारे मित्र है पप्पू पंडित जी, छठ पूजा मना रहे हैं। पाजन की गोरु चरो निर्धन को माया, पापा निर्धन को माया, सूर श्याम शरण आए सफल की जो सेवा, सूर श्याम शरण आए सफल की जो सेवा, सिद्धि सिद्धि देवता को विघ्न हरो देवा, पापा विघ्न हरो देवा। जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती, पिता महादेवा, बापा पिता महादेवा, सिंह सौ अतान भवाली, भक्ति सौ जय हर देश उत्सव 2022 जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती, पिता महादेवा, बापा पिता महादेवा, सुनो मेरे साथी, सुनो मेरे दोस्त, मिलके बोलो जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती, पिता महादेवा, बापा पिता महादेवा, सुनो मेरे साथी, सुनो मेरे दोस्त। पाजन की गोरु चरो निर्धन को माया, बापा निर्धन को माया। हाँ जी गाइस, तो यहाँ पे छठ पूजा का पावन पर्व मनाया जा रहा है और भोजपुरी समाज के समस्त माता पिताओं द्वारा छठ पूजा मनाया जाता है। बड़े ही हर्ष के साथ छठ पूजा मनाया जा रहा है और मैं कुछ भक्तगणों से आपका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ में कुछ भोजपुरी समाज के महानुभाव हमारे साथ उपस्थित है, मैं कुछ बातें करता हूँ भाइयों से। कुछ आप बोले भाई साहब, शर्माए नहीं अपने अपने भोजपुरी समाज का। अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। आपकी क्या विचारधारा है इस पावन व्रत के प्रति? मात्र शक्तियों द्वारा मनाया जाता है ये पर्व, तो बताएं कुछ हमें। अच्छा लग रहा है, मनाया जाता है हर साल,
चलिए छठ पूजा अच्छा लगता है देखने में। तो अंकल जी से हम पूछेंगे, कुछ आप संदेश देना चाहे अपने भोजपुरी समाज को आज इस छठ पूजा के पावन पर्व पे, क्या कहना चाहेंगे आप सभी भक्तों से? अच्छा लगता है भोजपुरी समाज का है ये सब। चलिए ठीक है। पाजन की गोरु करो निर्धन को माया, पापा निर्धन को माया, सूर श्याम शरण आए सफल की जो सेवा, सूर श्याम शरण आए सफल की जो सेवा, हाजी। तो देखिए छठ पूजा का मैंने आप लोगों को पूरा व्यू दे दिया और बहुत अच्छे से यहाँ पे छठ पूजा मनाई जा रही है सभी मातृ शक्तियों माताओं बहनों द्वारा। और आज बागसवन विश्वकर्मा मंदिर में छठ पूजा का ये पावन त्यौहार है। और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आप लोग शेयर करिए और अपने अपने मातृ शक्तियों को दीजिए। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, बाबा पिता महादेवा, सुनो मेरे साथी सुनो मेरे दोस्त मिलके बोलो जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश, अर्पित नाना भोपाली 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 आज गाइस। तो चलिए यहाँ पे छठ पूजा का बड़ा ही पावन त्यौहार मनाया जा रहा है। पूरे भोजपुरी समाज के मातृ शक्तियाँ और सभी भाई बंधु उपस्थित है। कुछ भाई बंधु हमारे साथ भी है। ये हमारे भाई हैं, इनके घर का नाम संटू है, इनको संटू प्यार से बोलते हैं। ये हमारे बड़े भाई हैं और ये हमारे भाई हैं। सभी यहाँ पे भाई आए हुए हैं और मैं दिखाता हूँ कुछ ऐसा व्यू है। ये देखिए बड़े हर्षोल्लास से छठ पूजा का पावन त्यौहार मनाया जा रहा है। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, कुछ सिनेमेटिक सीन में के मजे लीजिए। गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगी पार्वती पिता महादेवा, बापा पिता महादेवा, सिंह सौंग अस्तान भोपाली भक्ति सौंग, ये हर देश उत्सव 2022। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी। हाजी गाइस, तो आ गए हैं हम अपने भाई से, पूछते हैं उन्हें कैसा लग रहा है। ये हमारे दीपक भाई है। भैया आपको छठ पर्व का त्यौहार कैसा लग रहा है और क्या क्या विशेषता है कुछ बता पाएंगे आप हमारे दर्शकों को? और आपके घर में किसने रखा हुआ है त्यौहार? आपकी माता जी ने। तो चलिए बहुत बहुत शुभकामना आपको, जय छठ मैया की। हमारे फिर आप लोगों को सूचित करते हैं क्योंकि व्रत जो पूजक सामग्री जितने भी पूजक पाठ के कार्य थे वो समाप्त होते हो गए हैं। धीरे धीरे सब अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो मैं पुनः सभी मातृ शक्तियों से माताओं बहनों से युवा साथी भाई बंधु व्यापारी संघ भाइयों से निवेदन करता हूं कि दिनांक 29 तारीख को राजा भोज से शीतला माता के प्रांगण से कलश यात्रा प्रारंभ होगी। आप लोग 8 बजे जल्दी से जल्दी मातृ शक्तियाँ पहले आएंगे क्योंकि उनको कलश धारण कर इस कलश यात्रा को सफल बनाना है। और संध्या काल में 8 बजे से अष्टजाम का भी आयोजन रखा गया है, उसमें भी सभी भाई बंधुओं को युवा साथियों को मातृ बहनों को भारी से भारी संख्या में आना है, धर्म लाभ उठाना है। और एक बार फिर से समस्त नगरवासियों को मातृ शक्तियों को युवा साथी भाइयों को पूरी विश्वकर्मा मंदिर समिति टीम को हमारी छठ मैया की इस पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं बधाई साधुवाद प्रणाम। जय जय सिया राम हर हर महादेव। जय छठ मैया की जय छठ मैया की जय छठी मैया की जय हो। श्री श्री विश्वकर्मा सांस्कृतिक जागरूकता कल्याण परिषद के तत्वाधान में दिनांक 29 तारीख को राजा भोज शीतला माता मंदिर के प्रांगण से विशाल कलश यात्रा हमारी समिति द्वारा निकाली जाएगी। समस्त नगरवासियों से मातृ शक्तियों से युवा साथियों से भाई बंधुओं से व्यापारी संघ भाइयों से हमारी समिति विशेष निवेदन और अनुरोध करती है कि आप सभी भारी से भारी संख्या में कलश यात्रा में आए, धर्म के कार्य में जुड़े, अपने जीवन को धन्य बनाए। एक बार मैं आप सभी को पुनः मंदिर प्रांगण के इस मंच के माध्यम से
विशेष सूचना आप सभी को देता हूँ। श्री श्री विश्वकर्मा सांस्कृतिक जागरूकता कल्याण परिषद समिति के तत्वाधान में दिनांक 29 तारीख को आप सभी के क्षेत्र राजा भोज में शीतला माता मंदिर के प्रांगण के समक्ष उनके सामने से कलश यात्रा निकाली जाएगी। और विशेष तौर पर मात्र शक्तियों से सभी बहनों से मैं निवेदन करता हूँ कि प्रातः काल 8 बजे या उससे पहले हो सके तो पहले आके आप लोग अपने अपने कलश प्राप्त करें, कलश धारण करके कलश यात्रा में सम्मिलित रहे। मैं पुनः एक बार आप सभी से विशेष निवेदन अनुरोध करता हूँ, बाग सबनिया विश्वकर्मा मंदिर श्री श्री विश्वकर्मा सांस्कृतिक जागरूकता कल्याण परिषद समिति के तत्वाधान में भव्य और विशाल कलश यात्रा दिनांक 29 तारीख को राजा भोज शीतला माता मंदिर के प्रांगण से प्रारंभ होगी एवं उसी दिन संध्या काल को अष्टजाम का भी विशेष भक्तिमय आयोजन आप सभी के समक्ष रखा गया है, जो कि 2 दिन तक निरंतर चलेगा। पुनः मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि 29 तारीख को विशाल कलश यात्रा एवं संध्या काल को भव्य रूप से अष्टजाम की प्रस्तुति आप सभी के बीच हमारी समिति द्वारा रखी गई है। तो मैं समस्त महानुभावों से समस्त भक्तगणों से विशेष निवेदन करता हूँ कि आप सभी के अपने क्षेत्र बाग सबनिया विश्वकर्मा मंदिर श्री श्री विश्वकर्मा सांस्कृतिक जागरूकता कल्याण परिषद समिति के तत्वाधान में राजा भोज से शीतला माता मंदिर से कलश यात्रा भव्य रूप से प्रारंभ होगी, जिसमें आप सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को माताओं बहनों को भारी से भारी संख्या में सम्मिलित होना है और अपने इस भक्तिमय कार्य को सफल बनाना है। मैं पुनः एक बार मंदिर प्रांगण से आप सभी को सादर आमंत्रित करता हूँ, साधुवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आप सभी को एक बार निमंत्रण देता हूँ इस मंच के माध्यम से कि यदि मेरी आवाज आपके कानों से चलकर आपके हृदय तक इधर जा रही हो तो मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें और दिनांक 29 तारीख को विश्वकर्मा मंदिर के समिति द्वारा राजा भोज शीतला माता मंदिर से ये विशेष कलश यात्रा निकाली जाएगी। तो कृपया कर भारी से भारी संख्या में आए, धर्म कार्य में जुड़े, जीवन को धन्य बनाए। पुनः आप सभी से एक बार निवेदन करता हूँ, मैं आप सभी का भाई, आप सभी का छोटा अर्पित नाना भोपाली आप सभी से विशेष निवेदन करता हूँ। तो याद रखिएगा, भूल ना जाइएगा, दिनांक 29 तारीख को आप सभी के अपने क्षेत्र बाग सबनिया से विश्वकर्मा मंदिर की समिति द्वारा राजा भोज शीतला माता मंदिर से विशेष कलश यात्रा प्रारंभ होगी। आप सभी को आना है भारी से भारी संख्या में और संध्या काल का अष्टजाम में भी बने रहना है, जो कि 2 दिन तक निरंतर चलेगी। संध्या काल 8 बजे से अष्टजाम प्रारंभ हो जाएगा। तो सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम। बोलो छठी मैया की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। तो हेलो गाइस, आ गए थे फिर से व्लॉग में और आई होप आपको वो सीन अच्छा लगा होगा छठ पूजा का। और अब आ गए बाहर अपन, ये हमारे एक दोस्त मिल गए थे दीपक भाई, बहुत शानदार बंदे हैं ये और कुछ और मंडली भी खड़ी है, दिखाते हैं अपन। ये हमारे भाई है पाटिल, ये उनके मित्रगण भाई लोग हैं और दीपक भाई देखो फुल्ली बिल्कुल लोडेड में, मुझे ऐसा लग रहा है क्या भाई सादे की लोडेड है नहीं, कुछ नहीं लिया बोल रहे। तो पब्लिक थोड़ा सा ध्यान रखना भाई अपने साथ वाले, तो कमेंट वमेंट में भाई को अगर जानते हो बाग सबनिया से वीडियो देख रहे हो तो दे देना ना। मिलते अगले सीन में। तो हाँ जी गाइस, चलिए आ गए हैं घर और पूजा पाठ कर लिए, भगवान जी को प्रणाम कर लिया है और आई होप आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और देखिए मम्मी जी का चल रहा है, सब्जी कट रही है और कटिंग चल रही है और पापा जी पूजा करने जा रहे हैं भगवान की, आ गए हैं घर और देखिए टीवी भी चल रही है। तो चलिए थैंक यू सो मच, आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा और सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। और ब्लॉग में इसी तरह बने रहिए, अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अभी के लिए नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, जय श्री राम, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।